हेलो फ्रेंड्स, आज हम मीठी सेवई बनाने वाले हैं जो बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में और मीठा आइटम है तो सबको पसंद आता है। बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी मॉर्निंग में नाश्ता बनेगा तो उसके लिए आपको एक कढ़ाई लेना है और ये देखिए ये घी है जो मैंने घर में बनाया है, उसको ऐड करना है आधा चम्मच। सेवई को यहाँ पे ऐड करना है। और बस आपको बस एक मिनट इनको फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आधे मिनट में ये ऐसे फ्राई हो जाते हैं। तब हम इसमें अब शुगर ऐड करेंगे, आधा कटोरी या फिर एक कटोरी, आपको जितना मीठा पसंद है उतना। इसको आपको अच्छे से मिला लेना है और फिर उसके बाद में एक गिलास पानी ऐड करना है यहाँ। ये देखिए, ये शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हमको यहाँ पे एक गिलास वाटर ऐड करना है। थोड़ा सा नमक ऐड करना है और देखिए इसको अभी हाई फ्लेम पर आपको 2 से 3 मिनट। बॉईल हो गई है सेवई, इसका मतलब सेवई हमारी पक्के रेडी हो गई है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें घी डाला है ना, और ये बहुत अच्छा मीठा बनता है, टेस्टी लगता है। ये जो गेहूं के आटे की ये सेवई है, अब आपको यहाँ पे हल्का सा ये जो हमारा मिल्क है उसको हल्का सा गर्म करना है। अब आपको कितना मिल्क डालना है वो अपने हिसाब से आप डालिए। जितनी सेवई है, सेवई पूरी डूब जाएगी इतना आपको मिल्क ऐड करना है। और इसको हमको एक बार ओनली वन टाइम इसको हमको बॉईल करना है। बस बॉईल हो गया है, हमारी मीठी सेवई रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये मीठी सेवई। चलिए अभी इसको सर्व करते हैं। मेरे बच्चों का तो फेवरेट है ये। अगर आपको ये वीडियो और ये जो रेसिपी है मीठी सेवई की पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिए और अपने फैमिली वालों को ऐसा बना के खिलाइए। उनको पसंद आता है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा कोकोनट क्रश ऐड करना है और किशमिश ऐड करना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ये सब ड्राई फ्रूट्स डालने से। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास ये इलायची पाउडर है, उसको ऐड करना है। लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म सेवई खाने के लिए रेडी हो गई। एंजॉय मीठी सेवई। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।